उड़ी में हुए 19 इंडियन सोल्जर्स के शहीद होने के बाद इंडिया में पाकिस्तान कलाकारों को बैन करने का फैसला लिया गया। इस पर कई इंडियन सेलिब्रिटीज इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। वहीं बॉलीवुड में काम कर रहे पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान, जिन्होंने अब तक इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी साधी हुई थी, उन्होंने पहली बार इस मुद्दे पर अपना व्यू सामने रखा है। उड़ी अटैक के बाद चुप्पी साधे हुए पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान, जो इन दिनों लोगों के गुस्से का सामना कर रहे हैं, फाइनली अब उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए फेसबुक पर लिखा, मैं जुलाई से लाहौर में हूँ क्योंकि मैं अपनी पत्नी सदफ के साथ रहना चाहता था, क्योंकि वो हमारे दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। दुनिया भर में मेरे फैंस और मीडिया के बहुत सारे सवाल मुझे मिले, जिनमें मुझसे पिछले कुछ वक्त में हुई दुखद घटनाओं के बारे में पूछा गया। दो बच्चों का पिता होने के नाते मैं चाहता हूँ कि हम ऐसी दुनिया बनाए जिसमें हम शांतिपूर्वक रह सकें। मैं इस मामले में पहली बार बोल रहा हूँ, अगर मेरा नाम से हाल फिलहाल में कुछ कहा गया है तो उसे खारिज करें, क्योंकि मैंने इस बार कुछ भी नहीं कहा है। मैं अपने सभी प्रशंसकों और पाकिस्तान तथा भारत में सह कलाकारों का एवं दुनिया भर में रह रहे उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने प्यार और विश्वास के साथ इस बटी हुई दुनिया में मेरा सपोर्ट किया है। यह विवाद तब शुरू हुआ था जब 18 सितंबर को उड़ी अटैक के बाद MNS द्वारा पाकिस्तानी कलाकारों को इंडिया छोड़ के जाने का अल्टीमेटम दे दिया गया था, और साथ ही धमकी भी दी गई थी कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी फिल्मों को इंडिया में रिलीज होने नहीं दिया जाएगा। इसी बीच फवाद की अपकमिंग फिल्म ऐ दिल है मुश्किल को भी रिलीज से पहले काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करण जौहर द्वारा डायरेक्ट की गई ये फिल्म दिवाली पर रिलीज होगी। ANS रिपोर्ट।